मुर्दाबाद, 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 जेल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 स्क्रैप कमेटी गो बैक, गो बैक, गो बैक, स्क्रैप कमेटी गो बैक, गो बैक, गो। उत्तर पश्चिम रेलवे के लोको खेल मैदान को स्क्रैप यार्ड में बदलने की खबर से रेल कर्मचारियों में आक्रोश। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने स्क्रैप कमेटी को दिखाए काले झंडे लगाए नारे। उत्तर पश्चिम रेलवे के लोको कारखाने के सामने बने लोको खेल मैदान, लोको क्रीड़ा एवं मनोरंजक क्लब को रेल प्रशासन द्वारा स्क्रैप यार्ड में तब्दील करने की खबर से रेल कर्मचारियों और रेलवे यूनियंस में आक्रोश पैदा हो गया। शनिवार को प्रधान कार्यालय से लोको खेल मैदान का निरीक्षण करने पहुंची स्क्रैप कमेटी को रेल कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की कारखाना इकाई द्वारा हाथों में काले झंडे लेकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, स्क्रैप कमेटी गो बैक गो बैक, लोको ग्राउंड स्क्रैप यार्ड नहीं बनेगा नहीं बनेगा जैसे नारों से स्क्रैप कमेटी के सामने विरोध दर्ज कराया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन विद्युत कारखाना अजमेर इकाई के सचिव कमलेश शर्मा और लोको कारखाना सचिव जगदीश सिंह ने बताया कि किसी भी हालत में लोको खेल मैदान को स्क्रैप यार्ड नहीं बनने दिया जाएगा, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े यूनियन इसका पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि यही एकमात्र मैदान बचा है जिसमें रेल कर्मचारी और उनके परिवारजन खेलकूद व्यायाम आदि कर अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रख पाते हैं। अगर इसे भी स्क्रैप यार्ड में तब्दील कर दिया गया तो खेलने कूदने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जेल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 स्क्रैप कमेटी गो बैक, गो बैक, गो बैक, स्क्रैप कमेटी गो बैक, गो बैक, गो आज हेडक्वार्टर से लोको कारखाना का जो एकमात्र ग्राउंड यहाँ पे कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए खेलने कूदने का साधन है उसको स्क्रैप यार्ड में बदलने हेतु मुख्यालय से एक स्क्रैप कमेटी यहाँ का सर्वे करने आई है कि इसकी ये स्क्रैप यार्ड बनाने के लिए उपयुक्त है नहीं है। इसके विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अपने आज पूरे कर्मचारियों और उनके सारे साथियों के साथ अपने स्पोर्ट्समैन साथी जो जो यहाँ पे हमारे यहाँ कारखाने के खेलने के कूदने के यूज करते हैं उन सभी के साथ इसका विरोध करने के लिए इकट्ठित हुए हैं और स्क्रैप कमेटी गो बैक के नारों के साथ स्क्रैप कमेटी को वापस जाने का संदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे इस कारखाने के ग्राउंड को स्क्रैप यार्ड में बदलने की कोशिश की गई तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कभी भी पीछे नहीं हटेगी। आप जानते हैं कि ये कारखाने का ग्राउंड मात्र एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे पुराने समय के अंदर इंटरनेशनल के हॉकी फुटबॉल के मैच खेले गए हैं, साथ ही साथ वर्तमान के अंदर आपने अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अजमेर के एकमात्र राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी बास्केटबॉल खिलाड़ी पीयूष मीणा जी वो भी यहीं से प्रैक्टिस कर करके आज इंटरनेशनल के ऊपर हमारे अजमेर का नाम रोशन कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही ग्राउंडों की देन है। एक तरफ आप देख रहे हैं जहां भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रही है उसी के विरोध में उसी के उल्टे बिल्कुल रेल प्रशासन जो कारखाना के कर्मचारी उनके परिवार के लिए एकमात्र साधन है ग्राउंड उसको स्क्रैप यार्ड में बदलने का काम कर रही है उसका विरोध आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने किया है। रेल प्रशासन द्वारा लोको कारखाना जो कि पूरे क्षेत्र में रेल कर्मचारियों के लिए आज के कोविड पीरियड में एक्सरसाइज करने या घूमने फिरने के लिए या एक्सरसाइज करने गेम्स आदि के लिए एकमात्र साधन है इसको रेल प्रशासन द्वारा स्क्रैप यार्ड में शहर के बीच में स्क्रैप यार्ड बनाने की कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और यूनियन उसका विरोध कर रही है। आज एक प्रधान कार्यालय से एक स्क्रैप कमेटी इसका सर्वे करने के लिए आई हुई है, हम उस स्क्रैप कमेटी का विरोध कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को अगर प्रशासन की अपनी नींद से नहीं जागता है तो हम इस प्रदर्शन को और भी आगे जारी रखेंगे और इस ग्राउंड को बचाने का काम करेंगे चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्योंकि ये कमेटी से इसको सर्वे करने के लिए आई थी और इसको ग्राउंड को कन्वर्ट करने के लिए इसलिए आज हमने इस कमेटी को काले झंडे दिखा करके और नारे लगा करके अपना विरोध प्रदर्शित किया है।